नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 में सरकारी व सीलिंग भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाते हुए पुनः रजिस्ट्री प्रारंभ करने की शिकायत का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने लिया संज्ञान। गठित किया अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम, अपर आयुक्त न्यायिक द्वितीय की 3 सदस्यीय जांच समिति। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट किया तलब। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद सीजीएम व एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट ने वारंट को निरस्त करते हुए उन्हें अगली तारीख पर उपस्थित रहने का दिया निर्देश। हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव को पीपीगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने किया खुलासा। हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा है राष्ट्रीय पर्व। सभी नागरिक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर लगाएं तिरंगा। झोलाछाप डॉक्टर विजय प्रताप पासवान को गैर इरादतन हत्या के आरोप में खदनी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत नगर निगम ने निकाली वाहन तिरंगा रैली। एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने 300 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है वाहन तिरंगा रैली। तेरह अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन हर जगह जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति करेगा जागरूक। आजादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत भाजपा महानगर के आर्य नगर मंडल द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, तिरंगा है हमारी आन बान शान तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा रैली। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के अवसर पर पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मियों की कलाई में बांधी राखी। कहा, पुलिसकर्मी भाई अपने जीवन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और हम सभी बहनों की दुआ बनी रहती है इनके ऊपर। गोरखपुर में 1294 अमृत सरोवर बनाने का है लक्ष्य। 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे 259 सरोवर। गांव-गांव में अमृत महोत्सव के तहत बनने वाले सरोवर पीढ़ियों तक बनेंगे यादगार। जल संरक्षण को लेकर सरकार की है दूरगामी पहल। पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन पीजीसीए नई दिल्ली के आह्वान पर डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में गोलघर स्थित प्रधान डाक कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल व कार्य बहिष्कार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निजीकरण के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग। और आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के अंतर्गत किन्नर समुदाय भी 13 अगस्त को निकालेगा तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी एवं किन्नर एकता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। मौजा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 टप्पा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में सरकारी व सीलिंग भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाते हुए पुनः रजिस्ट्री प्रारंभ करने के संबंध में अकबर अली मेकरानी एडवोकेट दीवानी कचहरी गोरखपुर द्वारा साक्ष्य सहित विस्तृत शिकायती प्रार्थना पत्र 29 जुलाई 2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने शिकायती पत्र में अंकित तथ्यों की गहन जांच के लिए अधिकारियों की एक जांच समिति गठित कर दिया है, जिसमें
अजय कांत सैनी, अपर आयुक्त प्रशासन गोरखपुर मंडल गोरखपुर, मोबाइल नंबर 9454416208, अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम गोरखपुर मंडल गोरखपुर, मोबाइल नंबर 9454416207 तथा हरिओम शर्मा, अपर आयुक्त न्यायिक द्वितीय गोरखपुर मंडल गोरखपुर, मोबाइल नंबर 9454416206 नामित किए गए हैं। यह जांच समिति प्रकरण की जांच करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट 15 दिनों में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बुधवार को सीजीएम व एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान कोर्ट ने डॉक्टर संजय निषाद का वारंट निरस्त कर दिया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि 7 जून 2015 के कसरवल कांड का यह मामला है। उस समय सपा की सरकार थी, हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने एक हमारे साथी अखिलेश निषाद के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें अखिलेश निषाद की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हमें और मेरे साथियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया था जो कि न्यायालय में चल रहा था। कुछ फाइल जो कि कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी और तारीख छूट गई थी, जिससे न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया था। बुधवार को न्यायालय में पेश हुआ, जिसके बाद न्यायालय ने वारंट की निरस्त कर दिया। हमने कोर्ट से पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर समन और वारंट जारी है। हमने न्यायालय से अपील किया है कि उस फाइल को भी एमपी और एमएलए कोर्ट में कंबाइन किया जाए, इसलिए न्यायालय तय करे कि हत्या का मुल्जिम कौन है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तारीख पड़े तो आप न्यायालय में तारीख पर आकर देखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, हम लोग बड़े बड़े वकील वैधानिक पदों पर हैं, हम ही लोग कानून बनाते हैं और हम ही लोग कानून का अगर पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो क्योंकि हमारे मामले 7 जून 2015 के कसरवल कांड से जुड़े हुए थे और वहां सपा की सरकार ने फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, मेरा एक साथी मारा गया था, लेकिन बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या भी की गई और बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों की पिटाई भी की गई। उल्टे 302 का मुलजिम हम लोगों को बना दिया गया। तो आज उस केस में चूँकि जब हम एमएलसी हो गए, फिर नियमानुसार कोई कोर्ट बना एमपी एमएलए का, उसमें उस कोर्ट को फाइलें वापस आनी है। तो हमारा चूँकि जमानत अलग से हुआ था, हमारी चार्जशीट अलग से आई थी और मेरे साथियों की अलग से आई थी, तो दोनों दो न्यायालय में चल रहे थे। तो बाकी फाइल एमपी एमएलए में आ गई थी, मेरी नहीं आ पाई थी किसी कारण। तो जहाँ नहीं आ पाई थी वहाँ तारीख छूटने को जैसे वहाँ वारंट जारी हुआ था। आज मैं न्यायाधीश को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने न्याय दिया और मैं पेश होकर उनके सामने अपनी बात रखी और उन्हें उसको रिकॉल कर लिया। जमानत चूँकि पहले हमारी हो ही चुकी थी, उसी को रिकॉल कराना था, उन्होंने रिकॉल कर दिया। हमने 156(3) भी सरकार वो पुलिस के खिलाफ दाखिल कर रखा है और उसमें भी उनको सम्मन जारी हुआ और सम्मन के बाद वारंट भी जारी है। और मैं चाहूँगा, अभी यहाँ वकील साहब लोगों से बात कर रहा हूँ, कि उस फाइल को चूँकि वो भी उसी केस से संबंधित है, कि भाई पुलिस ने कहा कि नहीं ये लोग जो वहाँ गए थे भीड़ ने 302 किया है, लेकिन कोर्ट ने एक नोटिस दिया है उस पुलिस को जिसके खिलाफ हम लोगों ने 156(3) दाखिल किया है कि भाई 302 का आपके ऊपर चार्ज बनता है और आप जो जो धाराएं हमारे ऊपर लगी उसी धाराओं में कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए उस पुलिस को भी संबंध जारी किया। आज के दिन में वारंट भी जारी है। मैं चाहता हूँ कि वो भी फाइल एमपी एमएलए कोर्ट में आके कंपाइल हो, चूँकि उसी केस से हुआ है और न्यायालय तय करे कि 302 हम हैं या पुलिस है, चूँकि पुलिस ने हमें 302 दोषी करार करी और न्यायालय कहता नहीं 302 आपके ऊपर भी बनता, आप आओ। तो मैं तो चाहूँगा इन साहब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आज उनको भी इनके केस में यहाँ शायद कोई हड़ताल भी है। मैं सुबह ही 10 बजे पेश हो गया था और 10:30 बजे तक हमारे दोनों न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? न्यायालय ने दिया कि हमेशा उपस्थित रहे समय से, जब जब वकील साहब बुलाएं, जब जब भी आए न्यायालय बुलाए तो फिर वकील केस देखता है, जब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वकील जब भी कहेंगे वो हम न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। अगली तारीख कब निकालेंगे? अब आ चुकी हड़ताल है, अभी ये लोग जाएंगे। अब तारीख जिस हिसाब से जनरल पड़ती है हड़ताल के समय, उस समय
में आएंगे दोनों केस में आज पेशी कर। निश्चित रूप से रेले ने भी एक आरोप किया था, उसमें भी वो छोटा मुकदमा था क्योंकि उसमें भी मैंने रेलवे वाले में भी जमानत मतलब रिकाल करा लिया। हमने तो दोनों केस में जमानत करा रखी थी, लेकिन किसी गलती को इसी कि MPMLA में आ गया होगा, आया नहीं था और केस चल रहा था, इसलिए वहाँ उस ऑफिस में छूटने के नाते तो सब हो गया मतलब रिकाल मतलब जमानत। देखिए आज के दिन में जो हमारे NDA की बात है तो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल और भी देश में साथ में रहने वाले NDA के साथ हुए हैं। हम लोग एक सिद्धांतों की राजनीति करते हैं कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, उसके कायाकल्प हो, कानून से उसका हो, उसमें जो भी साथ हो हम लोगों के साथ है। अब कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, अब वो किस कारण से उधर जा रहे हैं उनके ऊपर है। आज के दिन में केंद्र में सरकार भाजपा की है, जनता भाजपा के साथ है, जनता NDA के साथ है, और जहाँ हमारे बड़े नेतृत्व अमित शाह जी हैं, हमारे नड्डा साहब हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, जब हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंता करता है तो हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है। कमलेश सहनी एडवोकेट, प्रकरण ये था कि 7 जून 2015 को कसवल कांड हुआ था जिसमें डॉक्टर साहब और जो है निषाद पार्टी के सहयोगियों के खिलाफ फर्जी तरह इस तरीके से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें कई धाराएं गंभीर था, तो जो शेष कुल टोटल 38 अभियुक्त उसमें बनाए गए थे, एक डॉक्टर साहब को अलग छोड़ दिया था, उसमें टोटल 37 थे, तो 37 की चार्जशीट जो है पहले आ गई थी। डॉक्टर साहब की जमानत जो है 2016 में 13 जनवरी 2016 को उनकी जमानत हुई थी और इनका चार्जशीट 2019 को न्यायालय में दाखिल हुआ सर, तो 2019 में जब दाखिल हुआ और 2016 में की जमानत हुई थी, चार्जशीट दाखिल होने के बाद और संज्ञान लेने के बाद डॉक्टर साहब को कोई भी कोर्ट से सम्मन सूचना प्राप्त नहीं हुआ, न इनके सम्मन गया न कोई सूचना आई, और इसी दौरान इनको गलत तरीके से वारंट कर दिया गया था, तो आज अर्जी पड़ी, कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया और वारंट को रिकॉल कर दिया। यहाँ MPMLA चूँकि जो कोर्ट चल रही है सर, तो MPMLA से संबंधित ये मामला है, तो पार्ट वाइज 2 बार चार्जशीट आई थी, तो एक फाइल वहाँ चल रही है, दूसरी फाइल भी चली जाएगी वहीं पर MPMLA में चलेंगे कोर्ट, ये दोनों मुकदमे साथ में चलेंगे। अभी कोर्ट आप डॉक्टर साहब का वो जो है वारंट कैंसिल कर दिया और पुनः उन्होंने कहा कि जो है जब आवश्यकता होगी तो मैं बुलाएंगे। अगली तारीख ये उसमें पड़ी है 18 अगस्त। पीपीगंज थाने के पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सिहोरवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी वार्ड नंबर 4 कस्बा पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त लोहे की पाइप को बरामद किया गया है। SP साउथ ने बताया कि अभियुक्त हत्या के प्रयास में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और हिस्ट्री शीटर भी है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पीपीगंज थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा, कमलेश यादव, SOG टीम प्रभारी मनीष यादव, हेड कांस्टेबल राज मंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, कांस्टेबल इंद्रेश वर्मा, रणवीर प्रताप सिंह, रवि चौधरी, अरुण यादव, नामित मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 6 तारीख भोला यादव और उनके परिवार के लोग कब्जा किए थे, शाम का स्वभाव इतना बड़ा लग रहा, इन्होंने 6-8 को रमेश का सौदन और उनको रेलवे की जमीन को अवैध कब्जा, रेलवे वाली जमीन, रेलवे वाली इनका खुद उनको दो व्यक्तियों ने कब्जा कर 16 साल से हम लोग आ रहे हैं, नहीं बात 16 साल 50 साल की जमीन है, रेल की नहीं है सर। थाना पीपीगंज में एक हिस्ट्री शीटर भोला यादव जो रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं,
दूसरा पक्ष भी वही जमीन की साफ सफाई करने आया तो इन्हें लगा कि ये भी अब यहाँ बसेंगे। इन्होंने अपने परिवारजनों के साथ मिल करके दो व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया, उनके हाथ पैर तोड़ डाले। इनके खिलाफ थाना पीपीगंज में 307 IPC का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था। SOG टीम और थाना पीपीगंज पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार किया है। रेलवे डिपार्टमेंट की जिस जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, रेलवे डिपार्टमेंट स्थानीय पुलिस के सहयोग से आज वो निर्माण वहाँ से पूरी तरह से ध्वस्त करके हटा रहा है। इनको अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत नागरिकों से अपील करते हुए कहा, यह हमारे राष्ट्रीय पर्व का विषय है और हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इस आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश के साथ मनाएंगे और हम सबकी पूरी भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा, सभी नागरिक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, ये तो हमारे राष्ट्रीय पर्व का विषय है और हम लोग के लिए गौरव की बात है और इसको भी हम लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएंगे, पूरी भागीदारी रखेंगे। धन्यवाद। खजनी पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कूड़ाघाट तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान झोलाछाप डॉक्टर विजय प्रताप पासवान पुत्र लालमणि पासवान निवासी सिसवा पोस्ट खुटहा बाजार थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। SP साउथ ने बताया कि 8 अगस्त को शाम 5 बजे वादी के भतीजा प्रिंस पुत्र लालचंद यादव निवासी कंदराई थाना खजनी जनपद गोरखपुर के दाहिने पैर के अंगूठे में चोट थी, जिसका इलाज कराने वो गया था, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर विजय पासवान द्वारा 3 इंजेक्शन लगाया गया, जिससे प्रिंस के मुंह से झाग निकलने लगा, जिसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्रिंस को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके संबंध में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खजनी थाना प्रभारी इकरार अहमद, SOG प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल देवी शंकर यादव, आशीष रंजन शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, अब हम कहां मिले? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो इलेक्ट्रिक पढ़ाई कहाँ पढ़ लिए थे? थाना खजनी क्षेत्र में एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने एक बच्चे का इलाज किया था। कंदराई गांव का मैटर है। प्रिंस नाम का बच्चा, जिसकी उम्र 13 साल है, उसके पैर में उंगली में चोट थी, जिसका इलाज ये डॉक्टर कर रहे थे। इन्होंने बच्चे को इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन के बाद उसके मुंह से झाग आने लगा। परिजन स्थिति को नियंत्रण के बाहर देख करके तत्काल लेके जिला अस्पताल भाग कर आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये डॉक्टर मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले हैं और कंदराई गांव में ही रुद्रा भवन नाम का एक मकान है, जिसमें किराए पर रहते थे, उसी में अपना क्लिनिक भी चलाते थे। SOG टीम और थाना खजनी पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। इनके विरुद्ध 304 IPC वो 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा।
आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में पैडलेगंज चौराहा से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें एडीजी अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली के 300 वाहनों को रवाना किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कई कार्यक्रम करेगा, जिसमें बुधवार को 300 से ऊपर नगर निगम की जो चार पहिया वाहन है विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली पैडलेगंज से छासंग चौराहा, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, गोलघर, यातायात तिराहा, धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ मंदिर होते हुए नगर निगम में समाप्त होगी। वहीं महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम ने नागरिकों के अमृत महोत्सव के प्रति जागरूक करने के लिए यह वाहन रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, इसके लिए भारत के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसी के तहत यह महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महापौर सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, झंडा थोड़ा नीचे सर, झंडा नीचे करिए।
जैसा कि आप जानते हैं देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है मना रहा है और उसे पूरा देश जो है अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर नगर निगम ने भी 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तिथिवार जो है जो रूप कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रखी है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 10 तारीख को हम लोग लगभग 350 से ऊपर जो चार पहिया वाहन हैं उनकी विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय, ADG साहब, DM साहब, SSP साहब और माननीय मेयर साहब के द्वारा संयुक्त रूप से जिसको हरी झंडी अभी दिखाई जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देशवासियों के बीच में, गोरखपुर वासियों के बीच में जो देश की देश प्रेम की भावना है उसको जागृत करना और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उससे जहां हमारे देशवासियों के बीच में देश प्रेम की भावना जागृत होती है वहीं पर जो हमारे देश की एकता और अखंडता है उसे और भी ज़्यादा मजबूती मिलती है। ये कार्यक्रम इस प्रकार के जो है, कल भी जैसे हमारी मैराथन है, इसके बाद हमारा काव्य सम्मेलन है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जो एक संगोष्ठी है, 15 तारीख को हमारे अमृत सरोवर, अमृत पार्क, अमृत वाटिका में ध्वजारोहण है। इस प्रकार से कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। ऐसा कार्यक्रम होने से निश्चित रूप से देशवासियों में जो एक नई जोश का संचार हो रहा है वो अद्भुत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम नागरिकों में आज़ादी महोत्सव को प्रति जागरूक करने के लिए एक वाहन रैली निकाला है। इसमें हमारे शहर के सभी गणमान्य अधिकारी, DM, कमिश्नर, IG, DIG, हमारे नगर आयुक्त, हमारे सभी पार्षद, हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ये सब में उपस्थित है। हम लोगों का जो सरकार की सोच है, मोदी योगी जी की सोच है, हर घर पर तिरंगा लहरा करके हम उन्हें बताएंगे कि हमने किस तरह से आज़ादी पाई है। ये आज़ादी हमें मुफ्त नहीं मिली है, इसके लिए भारत के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी। इसी के तहत हम इस महोत्सव को मना रहे हैं। जय हिंद। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 में सरकारी व सीलिंग भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाते हुए पुनः रजिस्ट्री प्रारंभ करने की शिकायत का मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने लिया संज्ञान, गठित किया अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम, अपर आयुक्त न्यायिक द्वितीय की 3 सदस्यीय जाँच समिति, 15 दिनों में जाँच रिपोर्ट किया तलब। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद CGM व MP MLA कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने वारंट को निरस्त करते हुए उन्हें अगली तारीख पर उपस्थित रहने का दिया निर्देश। हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव को PP गंज व SOG की संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, SP साउथ ने किया खुलासा। हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा है राष्ट्रीय पर्व, सभी नागरिक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर लगाएं तिरंगा। झोलाछाप डॉक्टर विजय प्रताप पासवान को गैर इरादतन हत्या के आरोप में खदनी पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत नगर निगम ने निकाली वाहन तिरंगा रैली, ADG जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने 300 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है वाहन तिरंगा रैली। तेरह अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा प्रचार वाहन हर जगह जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति करेगा जागरूक। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत
भाजपा महानगर के आर्य नगर मंडल द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, तिरंगा है हमारी आन बान शान तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा रैली। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के अवसर पर पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मियों की कलाई में बांधी राखी। कहा, पुलिसकर्मी भाई अपने जीवन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और हम सभी बहनों की दुआ बनी रहती है इनके ऊपर। गोरखपुर में 1294 अमृत सरोवर बनाने का है लक्ष्य। 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे 259 सरोवर। गांव-गांव में अमृत महोत्सव के तहत बनने वाले सरोवर पीढ़ियों तक बनेंगे यादगार। जल संरक्षण को लेकर सरकार की है दूरगामी पहल। पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन PGCA नई दिल्ली के आह्वान पर डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में गोलघर स्थित प्रधान डाक कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल व कार्य बहिष्कार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निजीकरण के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग। और आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के अंतर्गत किन्नर समुदाय भी 13 अगस्त को निकालेगा तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी एवं किन्नर एकता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए।
9588533596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 अगस्त को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे देश में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर के दीवानी न्यायालय, वाह न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला सहित सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो कि हर जगह जाकर लोगों को जागरूक करेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीयवाद, MB एक्ट, ई चालान, ट्रैफिक चालान, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, विद्युत व जल विवाद सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के अपर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त तिथि पर जो भी न्यायालय में या अन्य किसी भी विभाग में आपके मामले हैं जो सुलह समझौते से निस्तारित हो सकते हैं, मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि वह ऐसे सभी मामलों को दीवानी न्यायालय में या किसी भी विभाग में हो वहां अपना प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महानगर के आर्य नगर मंडल द्वारा बेनीगंज कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसके मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा लगाने के उद्देश्य के तहत तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया गया है। तिरंगा हमारी आन बान शान है तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है। यह रैली बेनीगंज कार्यालय से निकलकर गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुभाष नगर समाप्त होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, राजीव रंजन अग्रवाल, रूपेश गुप्ता, सूर्य प्रकाश शर्मा, छोटेलाल पासवान, शिवम पांडे, जितेंद्र चौधरी, अजय श्रीवास्तव, आदेश अग्रहरी, शशिकांत सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्याद मिश्रा तथा विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, माता की बंदे 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 बंद
नाम सत्यार्थ मिश्रा है, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। देखिए 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, हर घर तिरंगा लगाकर इस उत्सव को मना रही है, जिसके निमित्त 9 तारीख और 10 तारीख को जिस प्रकार से कल भी आपने देखा होगा हमारे गोरखपुर महानगर युवा मोर्चा 10 मंडलों में एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है प्रत्येक मंडलों में। इसी के निमित्त आज आर्यनगर मंडल की ये तिरंगा यात्रा है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय सर्वाधिक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। वो झंडा दिखाएंगे, यहाँ से रैली हम लोगों की अलीनगर चौराहे होते हुए गंगेश होते हुए सूरज कुंड को जाएगी और वहीं पर एक समापन का कार्यक्रम भी होगा। आज गोरखपुर महानगर ने आज सुबह आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आज गोरक्षनगर मंडल युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आए थे। इसी की तरह आज आर्यनगर मंडल में आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आना हो रहा है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष जब देश से पूरा कर रहा है तो अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में एक वर्ष का कार्यक्रम लगातार चलाने का काम, देशभक्ति का जज्बा, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया, उन सबको याद करते हुए आज हमारी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा जो सबके मस्तक पर रहता है उसको हर घर में लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये केवल पार्टी का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का अभियान है, आम जन का अभियान है। और मैं आम जन से अपील भी करता हूँ, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, लोग कर भी कर रहे हैं, मैं आम जन से अपील भी करता हूँ कि अपने अपने घरों पर 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में हर घर पर तिरंगा फहरा करके देश की आन बान शान के प्रतीक को सैल्यूट करें, यही निवेदन करने के लिए निकला हूँ। और आज हम लोग गोरखपुर महानगर के द्वारा पूरे देश भर में हर मंडलों में इस प्रकार के तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं, शोभा यात्रा चल रही हैं, अलग अलग महापुरुषों की मूर्तियों का कि स्वच्छता का अभियान, उनके महापुरुषों को याद करना, उनको उनके चित्र पर माल्यार्पण करना, इस सब प्रकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रमुख लोगों के घरों पर जाकर के भी झंडा लगा करके इस अभियान का शुभारंभ करना, ये अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के अवसर पर पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मियों की कलाई में राखी बांधी, जिसके संबंध में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सुनीता ने बताया कि राखी पर्व पवित्रता का पर्व है, यह पर्व बहन और भाई का है, बहन भाई को राखी बांधती है और भाई प्रतिज्ञा करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह राखी का त्यौहार है, इसलिए मनाया जाता है कि पूरा संसार पवित्र बने और दुनिया के अंदर शत्रु प्रधानता न आए। सभी मनुष्य आत्माएं विकारों से जो ग्रसित हैं, काम लोभ मोह और अहंकार आत्माओं के विकारों से मुक्ति और आज़ादी मिले और वो अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जी सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस भाइयों का राखी बांधने का उद्देश्य है कि वो अपने जीवन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और हम सभी बहनों की दुआ इनके ऊपर बनी रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ब्रह्म कुमारी सुनीता ने कहा ऐसे भी लगे मौका तो जरूर आना चाहिए। अपने यहाँ 7 days का कुछ ब्लेसिंग है आपके लिए, जरूर करिएगा। जहाँ भी नजदीक लगे उस इंटरेस्ट को सभी जगह पर है, जरूर जाना चाहिए। ब्लेसिंग है उसमें लिखा हुआ राखी
ऑपर्चुनिटी दी आपको, बहुत बहुत ये ब्लेसिंग कार्ड है, इसमें कुछ लिखा है पीछे आपके लिए। अरे ये हो गया, इसकी भी आवश्यकता, आप इसे पढ़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य है, नर ऐसा कर्म करे नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। हम मनुष्य देवता बन सकते हैं पर परमात्मा नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये लक्ष्य है अपना ब्रह्मा कुमारी इसका। आने वाला कल तो यही होगा, ठीक है? एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, सभी मानव देव समान होंगे। ब्रह्मा कुमारी सुनीता। हाँ, ये तो ऐसे भी राखी पर्व पवित्रता का पर्व है, दुआओं की राखी है, बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को प्रतिज्ञा करता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है ना? पहले तो हम स्व की रक्षा करें तब राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा करें, धर्म की भी रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और ये पवित्रता की राखी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पवित्रता का सागर आकर के विश्व की सारी आत्माओं को पावन बना रहे हैं। और ये पवित्रता की राखी का पर्व इस वजह से मनाया जाता है कि पूरा संसार पवित्र बने और दुनिया के अंदर सत्व प्रधानता आवे, सभी मनुष्यात्माएं विकारों से जो ग्रसित है, काम क्रोध लोमो और अहंकार, उन आत्माओं को उन विकारों से मुक्ति मिले, आज़ादी मिले और वो अपना जीवन श्रेष्ठ तरीके से जी सके। इस राखी बंधन का पर्व इसी वजह से मनाया जाता है कि हम सभी मनुष्यात्माएं पावन बने। ऐसे तो कहने के लिए ये बहन भाई का संबंध की राखी है, लेकिन ये राखी बहुत विशेष है। हर एक मनुष्यात्माओं को पावन बनना होगा और पावन दुनिया में जाने के योग्य बनेंगे तभी हम पावन दुनिया में आ सकेंगे। इससे पवित्रता का त्यौहार मनाया जाता है, ये दुआओं की राखी। हम सभी बहुत भावनाओं से भाइयों को ये राखी बांधते हैं। ओम शांति। ये आपने को राखी बांधनी जी जी हाँ, वो इनको तो राखी बांधने का विषय यही है कि ये तो अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके लिए भी यही है कि वो भी ईश्वर का हाथ पकड़ करके, साथ पकड़ करके आगे बढ़ें। और उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं कि वो भी अपने जीवन में सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहें, और हम बहनों की दुआएं उनके लिए होती हैं। ओम शांति। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विरहत पैमाने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर दूरगामी पहल की है। इस पहल से जुड़कर गाँव-गाँव में बनने वाले अमृत सरोवर पीढ़ियों तक यादगार बन जाएंगे। गोरखपुर में 1294 अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य है। सरकार की मंशा है के अनुसार इनमें से 20% यानी 269 अमृत सरोवर इस साल के जश्न आज़ादी 15 अगस्त तक पूर्ण हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के दौर में जल संरक्षण समय की मांग है। इसी के दृष्टिगत पीएम मोदी और सीएम योगी ने जल संरक्षण को आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक खास अभियान के रूप में शामिल किया है। इसके तहत गांवों में पोखरों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर जल संरक्षण की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसके तहत गोरखपुर ज़िले में ग्राम पंचायतों में 1294 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सरोवरों के विकास कार्य ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के केंद्रीय वित्त टाइड और अनटाइड राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा में मिलने वाली धनराशि से कराया जा रहा है। 7 अगस्त तक जिले में 153 अमृत सरोवरों को विकसित किया जा चुका है। गत दिनों समीक्षा बैठक करने आए जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उम्मीद जताई थी कि 15 अगस्त तक लक्षित 20% अर्थात 259 अमृत सरोवरों का विकास कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन अमृत सरोवर पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा MIS पोर्टल निर्मित किया गया है। अमृत सरोवरों में साल भर जल की उपलब्धता बनी रहे इसके इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इन्हें मुख्यतः वर्षा जल संचयन कर भरा जाएगा। अमृत सरोवर के तट पर नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन,
पाकड़ और महुआ आदि के पौधे लगाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर में गांव की नालियों का पानी न जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसे वर्षा जल से भरना होगा जिसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था की जाएगी। बारिश जल सरोवर तक पहुंच सके इसके लिए आवश्यक चैनलाइजेशन भी किया जाएगा। पानी के आगमन पर आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैम्बर का निर्माण किया जाएगा। बारिश के जल का संरक्षण कर भूमिगत जल का रिचार्ज बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सरोवरों के तटबंध पर वॉकिंग पथ बन रहे हैं। बैठने के लिए बेंच की भी स्थापना की जा रही है। सुबह शाम सैर करने वाले ग्रामीण इसका प्रयोग कर सकेंगे और बच्चों को खेल कूद के लिए बढ़िया स्थान भी मिलेगा। अमृत सरोवरों पर इस बार 15 अगस्त को भव्य झंडारोहण समारोह होंगे। इसके लिए यहां झंडारोहण स्थल भी तैयार किए गए हैं। जश्न आज़ादी पर ग्रामीणों को अमृत सरोवरों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया जाएगा। पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन PGCA नई दिल्ली के आह्वान पर डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में गोलघर स्थित प्रधान डाक कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल व कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सेवानिवृत्त प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम चंद ने बताया कि पूरे देश में डाक विभाग के कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार डाक विभाग के निजीकरण को लेकर कदम बढ़ा रही है। डाक विभाग में 5 लाख अभिकर्ता हैं और उनका परिवार है जो कि जीवन यापन करता है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि निजीकरण पर रोक, पुरानी पेंशन योजना लागू और बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवानिवृत्त प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम चंद और अभिकर्ताओं के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार मिश्रा ने कहा, अपनी माँ के लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी माँ के लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, मैं राधेश्याम चंद हूँ, सेवानिवृत्त प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष NAPE ग्रुप से। आज ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं क्या? ये पूरे देश में डाक विभाग के अस्तित्व के समय की हड़ताल है। आप जानते हैं डाक विभाग के लाखों लाख जगह हैं और भी विभागों में, डाक विभाग में भी जगह खाली है, भर्ती नहीं हो रही है। हमारा डाक कर्मचारी 60 साल की उम्र तक ज़्यादा गर्मी बरसात सहते हुए नौकरी करता है, सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, लेकिन उनकी पेंशन आपको पता है कि 1-4 के बाद समाप्त हो गई है। यही नहीं, सरकार इस विभाग को निजीकरण की तरफ ले जा रही है, तमाम सेक्शन बंद हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आम एक छोटी छोटी जनता के लिए भी एक लघु बचत योजना हमारी रही है, जिसमें हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपने छोटे छोटे पैसे को इकट्ठा करके डाकघर में जमा करता था। आज उस सेविंग बैंक को या निजीकरण के तरफ ले जा रहे हैं। इससे हमारे तमाम कर्मचारियों के साथ साथ लाखों लाख, लगभग 5 लाख अभिकर्ता हैं, उनके परिवार हैं, वो सड़क पर आ जाएंगे, उनका एक बैग जैसे आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। मांगे यही है, निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, जो चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, और जो ये सेविंग बैंक को IPB में मर्ज करके बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विभागी के साथ साथ हमारे अभिकर्ता वर्ग की सबकी एक साथ एकजुट लड़ाई है, इसमें इसको बंद किया जाए। तमाम सेक्शनों को, रेल डाक सेवा के सेक्शनों को तोड़ा जा रहा है, मिला करके एक किया जा रहा है, उन सबको बंद किया जाए, ये सब हमारी डिमांड्स है। मैं मनोज कुमार मिश्रा, अभिकर्ताओं के राष्ट्रीय संगठन का मैं महासचिव हूँ। एक दिवसीय NAPE के आह्वान पे एक दिवसीय हड़ताल को देश के 5 लाख से अधिक एजेंटों का समर्थन प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि आज देश का 5 लाख से अधिक कोई भी एजेंट डाकघरों में काम नहीं कर रहा है। भारत सरकार डाकघर को प्राइवेट करने जा रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आधा IT सेक्टर को सरकार ने ऑलरेडी प्राइवेट में दे रखा है, और अगले चरण में जो यह छोटी बचत योजनाएं हैं, किसान विकास पत्र NSC, जिसमें हम अभिकर्ता धन निवेश कराकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उसको भी प्राइवेट में करने वाली है। और जिस दिन यह आदेश जारी हो गया, देश के 5 लाख से अधिक एजेंट रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। अतः
कर्मचारी संघ के आह्वान पे देश के 5 लाख एजेंट सड़क से संसद तक इस लड़ाई में कर्मचारियों का सहयोग करेंगे। पूरे देश के एजेंट इस एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हैं और जो भी पोस्टल यूनियन का आदेश होगा आगे भविष्य में हमारे देश भर के अभिकर्ता उसमें सहयोग करेंगे। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के अंतर्गत किन्नर समुदाय द्वारा तिरंगा यात्रा के संदर्भ में विजय चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 अगस्त को नगर निगम परिसर रानी लक्ष्मीबाई पार्क से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। यह तिरंगा यात्रा नगर निगम परिसर के कचहरी चौराहा गणेश चौक होते हुए गोलघर काली मंदिर तिराहा पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा यह तिरंगा यात्रा लोगों को जोड़ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मुहिम अमृत महोत्सव पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि भारतीय संस्कृति को अतुल बनाने के लिए सभी धर्म संप्रदाय के लोग इस महापर्व में शामिल होकर एकता और भाईचारे का संदेश दें। यह तिरंगा यात्रा उन लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो भाईचारे के रिश्ते को कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा गोरखपुर के इतिहास में किन्नर समाज की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर नज़ीर पेश किया जा रहा है। किन्नर समाज का यह तिरंगा यात्रा भारतवर्ष में सद्भावना का संचार स्थापित करेगा। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा में सहभागिता निभाकर एकता की मिसाल को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी एवं किन्नर एकता ने कहा जो सामाजिक कार्य कर रही संस्थाएं उन सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे समुदाय के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलें और हम भी उनके साथ आके काम करें। हाँ तो मेरा यही आप लोगों से सभी जन से आग्रह है कि तिरंगा यात्रा में सब लोग आएँ और सहभागिता करें और देखें कि किन्नर समुदाय किस तरह से अपने विचारों को रखता है और देश का किन्नर समुदाय के पास जाना लोगों के लिए सहज नहीं हो पाता है। वो बहुत ही अपने इसमें रहते हैं तो आज सामने आकर 13 तारीख को सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि वो लोग खुल के आएँ और उनके भावनाओं को उनके विचारों को भी जानने का प्रयास करें और उसी क्रम में उनकी समस्याओं को भी जाना जाए। और आपसे मेरा निवेदन है कि उनकी समस्याओं और उनकी जो उनकी जरूरतार और समाज को पता चल सके किन्नर समुदाय की क्या जरूरतें और क्या। जय श्री महाकाल। ये हमारे अमृत महोत्सव की तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा, क्योंकि उस दिन थर्ड जेंडरों को सर्टिफिकेट देने समय कहा भी गया था उस मीटिंग में कि सब जितने अपने अपने हर घर तिरंगा लहरना चाहिए, सब सहमत हैं। तो हम जितनी थर्ड जेंडर किन्नर समाज क्यों पीछे हटे, हम खुद सहमत हैं क्योंकि हम प्राचीन काल से हर चीज़ करते हैं तो इसको तो हम करने में हमें तो बहुत हमारे सौभाग्य के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने हमें ये अवसर दिया, उसी द्वारा हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम से निकलेगी यात्रा 10 से लेकर 11 के बीच में और वहाँ से काली मंदिर पर समापन होगी और उसके साथ हमारी एकता संस्था भी है, इनसे भी कुछ पूछिए। कितने तारीख को यात्रा निकलेगी? कितनी तारीख? दिन शनिवार 13 तारीख। नमस्कार, मेरा नाम एकता है और मैं आचार्य कनकेश्वरी नंदगिरी जी की शिष्य हूँ। हमारी यात्रा जो हम आयोजित की जा रही है ये एक विशेष तिरंगा यात्रा है जिसमें किन्नर और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग यात्रा का प्रतिभाग करेंगे और सभी वर्ग के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वर्ग के प्रतिनिधि आएंगे और हमें सहयोग करेंगे। विभागीय सहयोग भी हमें मिल रहा है। हमारी गुरु जी क्योंकि खुद किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं जो किन्नर कल्याण बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं से आगे आकर बनाया और इनको 4 प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि ये हैं जो किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। तो क्योंकि ये जनपद गोरखपुर से हमारी गुरु जी आती हैं तो इनका एक विशेष विचार था कि हम किन्नर समुदाय के लोग भी अपने जनपद गोरखपुर में किन्नर यात्रा का आयोजन करें जो तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग आयोजित करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा अनुमान है कि इसमें से 1000 के संख्या में प्रतिभागी रहेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किन्नर समुदाय के लोग सभी लोग की
सहभागिता रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक किन्नर समुदाय अपने लिए अपने अधिकारों अपने पहचान की बाट जो रहा है, तो मेरा निवेदन है कि हम आगे आके बात कर रहे हैं, अब समुदाय और सरकार की बारी है कि हमें वो सहयोग करे और हमें भी आज़ादी का वो अनुभूति हो जो हर एक नागरिक को हो चुकी है। बस से किन्नर समुदाय पिछड़ा वर्ग है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था या जिसके बारे में लोगों को समझ नहीं थी, तो हम चाहते हैं कि अब हम आगे आ रहे हैं और हमें अब साथ मिले और हम भी आगे बढ़ के देश के समाज के विकास में योगदान दें। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 में सरकारी व सीलिंग भूमि के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाते हुए पुनः रजिस्ट्री प्रारंभ करने की शिकायत का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने लिया संज्ञान, गठित किया अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम, अपर आयुक्त न्यायिक द्वितीय की 3 सदस्यीय जाँच समिति, 15 दिनों में जाँच रिपोर्ट किया तलब। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद सीजीएम व एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने वारंट को निरस्त करते हुए उन्हें अगली तारीख पर उपस्थित रहने का दिया निर्देश। हत्या के प्रयास में वांछित 20,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अखिलेश यादव और भोला यादव को पीपीगंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी साउथ ने किया खुलासा। हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा है राष्ट्रीय पर्व, सभी नागरिक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर लगाएं तिरंगा। झोलाछाप डॉक्टर विजय प्रताप पासवान को गैर इरादतन हत्या के आरोप में खदनी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत नगर निगम ने निकाली वाहन तिरंगा रैली, एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने 300 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है वाहन तिरंगा रैली। तेरह अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा प्रचार वाहन हर जगह जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति करेगा जागरूक। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा के अंतर्गत भाजपा महानगर के आर्य नगर मंडल द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा, विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा तिरंगा है हमारी आन बान शान तथा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा रैली। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी के अवसर पर पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मियों की कलाई में बांधी राखी, कहा पुलिसकर्मी भाई अपने जीवन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और हम सभी बहनों की दुआ बनी रहती है इनके ऊपर। गोरखपुर में 1294 अमृत सरोवर बनाने का है लक्ष्य, 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे 259 सरोवर, गांव-गांव में अमृत महोत्सव के तहत बनने वाले सरोवर पीढ़ियों तक बनेंगे यादगार, जल संरक्षण को लेकर सरकार की है दूरगामी पहल। पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन पीजीसीए नई दिल्ली के आह्वान पर डाक विभाग के निजीकरण के विरोध में गोलघर स्थित प्रधान डाक कार्यालय पर एक दिवसीय हड़ताल व कार्य बहिष्कार कार्यक्रम का किया गया आयोजन, निजीकरण के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग। और आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के अंतर्गत किन्नर समुदाय भी 13 अगस्त को निकालेगा तिरंगा यात्रा, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी एवं किन्नर एकता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।